आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये होता है कि टाइम भी लगा होता है, प्लस टाइम। जैसे सेंटेंस है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें यदि ये सेंटेंस होता वह पढ़ रहा है तो वो होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। लेकिन यहां पर टाइम भी गिवन है, तो इसकी वजह से ट्रांसलेशन, अब देखें ये 2 घंटे से वर्ड को हटा दें तो ट्रांसलेशन होगा ही इज स्टडिंग, राइट। लेकिन यदि हम टाइम को साथ में रख लें, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जब समय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसका ट्रांसलेशन का तरीका बदलेंगे और हम लिखेंगे ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस क्या है। अब हम इसका रूल देखते हैं। रूल है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैज या फिर हैव, वो आप जानते हैं कैसे लगाना है। इसके बाद लगाएंगे बीन, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे फॉर या फिर सिंस, और इसके बाद लिखेंगे टाइम। ठीक, अभी हम फॉर सिंस का यूज भी बताएंगे, बट एक दो सेंटेंस पढ़ने के बाद। जैसे हमने लिखा He has been weeping for an hour. क्या मीनिंग हुई? वह 1 घंटे से रो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर यदि मैं ये पूछूं कि वह कितने बजे से रो रहा है, ये आप नहीं बता सकते। आर एन आर लिखा तो है 1 घंटे से, तो यदि आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 12 बजे, ये बात आप इस सेंटेंस को रीड करें तो आप सोचेंगे कि वो 11 बजे से रो रहा है। इसी सेंटेंस को यदि आप 2 बजे रीड करें तो आप सोचेंगे कि वो 1 बजे से रीड 1 बजे से रो रहा है। तो इसका मतलब हुआ, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो टाइम लिखा हुआ ये फिक्स नहीं होता, तो उस समय हम और लगाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। She has been working since Sunday. यहां पर जो संडे है वो फिक्स है। आपसे यदि फ्राइडे को भी पूछा जाएगा तभी पता चल जाएगा आपको संडे संडे की बात कर रहे हैं। मंडे को पूछा जाएगा तभी बता देंगे कि संडे कौन सा है। तो ये फिक्स सिचुएशन है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, फॉर और सिंस में। तो चलिए हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों लगा हुआ है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 o'clock फिक्स होता है, ये मूव नहीं करेगा। आपसे कोई 3 बजे पूछे तब भी समझ में आ जाएगा 2 बजे से बात कर रहे हैं। ये 4 बजे बोलेगा तभी भी इसका मतलब हुआ कि 2 बजे से आप काम कर रहे हैं। तो इस ढंग से ये सिंस हो जाएगा, मीनिंग हुई मैं काम कर रहा हूं 2 बजे से। अगला, दे हैव बीन लाफिंग
फॉर 2 मिनट्स, क्या मतलब हुआ? वे 2 घंटे से हंस रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका नेगेटिव देखते हैं, इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर फॉर या सिंस, इसके बाद लगाएंगे टाइम, और इसके बाद और भी जो चीजें लोग, जैसे He has not been weeping for 10 minutes. बात समझ में आ गई होगी कि वह वह 10 मिनट से नहीं रो रहा है। She has been, नेगेटिव सेंटेंस है, शी हैज नॉट बीन इनवाइटिंग सिंस मंडे। मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी, दे हैव नॉट be sleeping since Monday. I have not been attending the classes for 2 days. 2 दिन से मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा हूं, तो ये हुआ नेगेटिव। अब इसका हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हमने आपको 2 केसेस बताए थे, वही 2 केसेस अभी भी डिस्कस करना है। एक तो वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, तो उसका रूल होगा हैज या, ये फर्स्ट पार्ट है, हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर फॉर या सिंस, और इसके बाद टाइम लगाएंगे और बाद में कुछ मार्क लगा दें। जैसे हैज ही बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, मीनिंग क्या हुई, क्या वह 2 घंटे से रो रहा है। दूसरा, Have you been visiting this family for the last 2 years? क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई, क्या आप इस फैमिली को लास्ट 2 सालों से विजिट कर रहे हो। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। उसका रूल है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, इसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, और इसके बाद फॉर या सिंस लगाएंगे, और फिर टाइम। ठीक है, जैसे व्हाट
हैव यू बीन डूइंग फॉर टू डेज? आप दो दिन से क्या कर रहे हैं? When have you been visiting this family? तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जिनके ट्रांसलेशन करके मुझे भेजने हैं। पहला, मैं कल से किताब पढ़ रहा हूं। वह दो घंटे से कविता लिख रहा है। तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे थे, कुछ मार्क नहीं है। वह दो घंटे से क्या लिख रहा है? तुम रविवार से क्या कर रहे हो? शीला सुबह से क्यों सो रही है? यह बच्चा कब से रो रहा है? बच्चे एक दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। वह 3 बजे से गा रहा है। तुम 5 बजे से
गाना सुन रहे हो। तो इन सारे सेंटेंसेस के इंग्लिश बना के मुझे भेजनी है। थैंक यू।